ढलते सूरज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हम लोग गलत आ गए तो वापस जाएंगे। Hey guys, this is Adnan and you're watching my channel Adnan Ibn Imdad. और आज हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। मेरे साथ होंगे बकार, अस्सलाम वालेकुम, और होंगे मेरे साथ सफदर। जाते हैं और चेक करते हैं मॉन्यूमेंट। इस वक्त दोपहर के 3:30 बजे हैं। चले हम चलो। सो फाइनली वी रीच्ड एट पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। ₹20 की टिकट के बाद मास्क भी लाजमी कर दिया गया, और वो मास्क भी ₹20 का है। विदाउट मास्क नो एंट्री। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, जिसको याद भूदे पाकिस्तान भी कहा जाता है, एक नेशनल मॉन्यूमेंट है जो कि इस्लामाबाद के वेस्टर्न शकरपड़िया में वाक़ है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। यह मॉन्यूमेंट उन लोगों को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने अपना आज सेक्रीफाइस करके कल को रोशन और बेहतर बनाया। इस मॉन्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन 25 मई 2004 जबकि यह 23 मार्च 2007 में कंप्लीट हुआ। इस मॉन्यूमेंट को आर्किटेक्चरल डिजाइन देने वाले आरिफ मसूद हैं। अगर इसकी एरिया की बात करें तो यह 6.9 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस मॉन्यूमेंट को अगर गौर से देखें तो इससे हमें बड़े सगीर के रिच मुगल आर्किटेक्चर की महक आती है। इस मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर पेटल शेप्ड है, यानी पंखड़ी नुमा है, जो कि मुगल आर्किटेक्चर के ट्रेडिशनल मुकारनास से काफी निस्बत है। मुकारनास बेसिकली मुस्लिम आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हैं जो कि मोस्टली हमें ईरानियन आर्किटेक्ट्स में नजर आता है, लेकिन यहां आरिफ मसूद साहब ने बड़ी ही खूबी के साथ तारीखी मुकारनास पर आज की जदीद टेक्नोलॉजी को यूज करके मॉडर्न मुकारनास की तख्लीक की, क्योंकि उनका यह मानना था कि वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री बट नॉट रिमेन इन इट। इस मॉन्यूमेंट के 7 पेटल्स हैं, 4 आर लार्ज एंड 3 आर स्मॉल। जो 4 लार्ज पेटल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिफरेंट कल्चर्स को, दैट इज सिंधी, पंजाबी, बलोची एंड पख्तून। और जो 3 स्मॉलर पेटल्स हैं वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आजाद कश्मीर एंड गिलगित एंड बल्तिस्तान। ऑल 7 पेटल्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट और उसकी इनर वॉल्स पर बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के लैंडमार्क्स सच एज लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, खैबर पास और मीनार पाकिस्तान शामिल हैं। ऑल 7 पेटल्स स्टैंडिंग टुगेदर टू फॉर्म द नेशन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द स्टार एंड क्रिसेंट ऑफ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। Moreover, स्टार को शाइनी ब्लैक ग्रेनाइट विद गोल्डन स्टार्स के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की पाकिस्तान के लिए, जबकि क्रिसेंट मून स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिस पर कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की इंस्पिरेशनल राइटिंग्स लिखी हुई है। और यहाँ पर खड़े होकर आप इस्लामाबाद का पूरा व्यू, एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हो यहाँ पर।
अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल वैसे कैप्चर नहीं कर पा रहा जो कि मैं देख रहा हूँ। और ये सामने मेरे सेंटोरस मॉल, बहुत ही दिलकश नज़ारा। और ये मॉन्यूमेंट आर्क्स, मेरा लोगों से ये गिला रहेगा कि यहाँ पर लोग खा पी के यहीं पर कचरा जो है वो फेंक देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। अदर देन मॉन्यूमेंट देयर इज अ म्यूजियम जो कि हमें पाकिस्तान की क्रिएशन और इसकी तारीख बताता है। ये है वो फोर पिलर्स जिस पे ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम लिखा हुआ है। ढलते सूरज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप भी बोलें, अदनान भाई की वीडियो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जाते वक्त हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं।